साल 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर यानी आज लगने वाला है। आपको बता दें कि 15 दिनों के अंतराल पर लगने वाला ये दूसरा सूर्य ग्रहण होगा जो मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो करीब 5 घंटे तक चलेगा, जो शाम 7:03 पर शुरू होगा और करीब 5 घंटे बाद रात 12:23 पर खत्म हो जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। वहीं बिल को वापस लेने की मांग के साथ ही किसानों के आंदोलन में कई बदलाव भी आ रहे हैं, जिनमें अब किसानों ने सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि किसानों ने कल यानी रविवार को कुंडली बॉर्डर पर मीटिंग करके ये फैसला लिया है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज को रोहतक के PGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल उनमें एडवांस कोरोना के लक्षण देखे गए हैं, जिसके चलते ही ये फैसला लिया गया है। PGI रोहतक के PRO डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया है कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 99 लाख के पार पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 93 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,83,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं इस वक्त 3,51,000 से भी ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। इन सबके बीच पिछले 24 घंटों में आई कोरोना रिपोर्ट्स की माने तो यह आंकड़ा 27,336 पर ही टिका रहा। पूरी दुनिया जहां कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, वहीं न्यूजीलैंड अब पूरी तरह से कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है। न्यूजीलैंड सरकार ने कोरोना वायरस का एक भी एक्टिव केस नहीं मिलने पर सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा लिया है, जिसके बाद अब न्यूजीलैंड में लोगों को जुटने और सोशल डिस्टेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसकी सीमाएं अभी भी विदेशियों के लिए बंद हैं। गामेलिया नेशनल रिसर्च फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के डायरेक्टर और स्पुटनिक वी वैक्सीन के प्रमुख विकासकर्ता अलेक्जेंडर गेंसबर्ग ने दावा किया है कि लोगों को वैक्सीन के जरिए COVID-19 के खिलाफ 2 साल तक सुरक्षा मिल सकती है। वहीं अगर वैक्सीन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन से कम होने का दावा था, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन अपूर्व होने के बाद बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि सरकार जुलाई तक 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी में है, जिनमें हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा वो लोग भी शामिल हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या फिर उन्हें कोमॉर्बिडिटी है। भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में लगा पाकिस्तान अब झूठी सूचनाओं के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास को बदलने में जुट गया है। दरअसल खुद को वियतनाम में पाकिस्तान का राजदूत बताने वाले कमर अब्बास खोखर ने प्राचीन भारत की शान रहे तक्षशिला विश्वविद्यालय को सोशल मीडिया पर प्राचीन पाकिस्तान बता दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग की जा रही है। बिहार विधानसभा में अपनी उपस्थिति बेहतर करने से उत्साहित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हमने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। हम की राष्ट्रीय परिषद ने पटना में रविवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया है, जिसके बाद से इसे लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने को कहा गया है। पूरी दुनिया के लिए परेशानी बने चीन ने ब्रिटेन के अंदर तक अपनी जड़ें फैला ली हैं। एक चौंकाने वाले खुलासे में यह बात सामने आई है कि ब्रिटेन के कुछ संस्थानों, कंपनियों से लेकर दूतावास में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC के वफादार सदस्य मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।